के अचूक उपाय। वैदिक ज्योतिष में शीघ्र विवाह के उपाय बताए गए हैं। इस वीडियो में हम शादी में देरी को लेकर आने वाली परेशानी और उसके समाधानों की बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं JDJ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, शीघ्र विवाह और सही समय पर शादी हर युवक युवती की इच्छा होती है। विवाह में देरी होने से नौजवानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में आने वाली परेशानियों की ज्योतिष शास्त्र में कई वजह बताई जाती हैं। इनमें से मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र ग्रह की खराब स्थिति प्रमुख वजह होती है। यदि किसी भी युवक और कन्या की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो विवाह में देरी या शादी के बाद परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म और ज्योतिष विद्या में शीघ्र विवाह के सरल उपाय मौजूद हैं। व्रत, तंत्र, मंत्र, टोटके जैसे तमाम ज्योतिष और धार्मिक उपायों से विवाह में आ रही मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय जिनको करके आप शीघ्र अति शीघ्र वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों, शीघ्र विवाह के उपाय में सबसे पहला जो उपाय है वह ये है कि शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर जातकों को अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। अधिकांश पीले वस्त्र पहने और यदि पीले वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं तो अपने पास पीले रंग का कोई कपड़ा जरूर रखें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्त्रोत का पाठ करें जिससे अविवाहित जातकों का शीघ्र विवाह होता है। इसके अलावा किसी कारण से वास्तु दोष होने की वजह से भी विवाह नहीं हो पाता तो ऐसे में घर के अंदर वास्तु यंत्र स्थापित करें और वास्तु यंत्र की नियमित रूप से पूजा करें। यदि कोई वर किसी कन्या को शादी के लिए देखने जा रहा है तो उसको गुड़ खाकर घर से निकलना चाहिए, इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, जल्दी शादी के उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से अविवाहित पुरुषों की शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जबकि कन्याओं को गणपति महाराज को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, इससे उनकी शादी शीघ्र अति शीघ्र हो जाती है। शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थल पर यानी कि अपने घर के अंदर जो आपका मंदिर है वहां पर नवग्रह यंत्र स्थापित करके नियमित रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए, इससे विवाह शीघ्र होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा भोजन में केसर का सेवन करना चाहिए, ऐसा करने से जल्दी शादी होने की संभावनाएं होती हैं। मित्रों, अपने से बड़े लोगों का हमेशा सम्मान करें, ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि शुक्र ग्रह की वजह से विवाह में अड़चन आ रही है तो ऐसे में ओपल रत्न धारण करना चाहिए। गुरुवार को केले वृक्ष के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गुरु बृहस्पति के 108 नामों का उच्चारण करें और ऐसा करने से जातकों का विवाह शीघ्र होता है। जल में बड़ी इलायची डालकर उसे उबाल लें, फिर उस जल को स्नान के पानी में मिलाएं, उसके बाद पानी से स्नान करें। इस उपाय से शुक्र के दोषों का निवारण होता है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से भी शीघ्र विवाह होता है। मित्रों, गुरुवार के दिन आटे के दो पेड़ों पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ा गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं, इससे विवाह का योग शीघ्र बन जाता है। विवाह योग्य कन्या गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में लपेट कर रखें, ऐसा करने से शीघ्र हाथ पीले होने की शुभ योग बनने लगते हैं। दोस्तों, विवाह योग्य लड़कों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों का चित्र एवं कन्याओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीरें सफेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक बनानी चाहिए, ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि लड़के के विवाह में देरी हो रही हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में दान करें, इससे लड़के का विवाह शीघ्र होता है। शुक्रवार के दिन सूर्य अस्त से पूर्व विवाह शीघ्र होने की ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करें, इससे भी विवाह होने की संभावना बन जाती है।
विवाह के योग्य जातक अपने पलंग यानी कि बेड के नीचे लोहे की वस्तु एवं कवाड़ न रखें। पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से अविवाहित जातकों की विवाह की इच्छा पूरी होती है। यह शीघ्र विवाह का अच्छा उपाय माना जाता है। दोस्तों, यदि अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या की शादी में जाए और वहां दुल्हन के हाथों से मेहंदी लगवा ले तो उससे उसकी शीघ्र शादी होने की संभावना बन जाती है। कहते हैं कि शिव पार्वती जी का पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए अविवाहित जातकों को शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए एवं बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से विधिवत पूजन करना चाहिए। सोमवार के दिन चने की दाल एवं कच्चे दूध का दान करें और यह प्रयोग तब तक करते रहें जब तक कि विवाह नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं तो इस वीडियो में बताया हुआ कोई भी उपाय आप करें तो आपके विवाह होने के योग निश्चित ही बनेंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की विवाह से संबंधित उपायों की वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।